गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 के 7 नंबर श्लोक तक समझा दिया था। अब नेक्स्ट 8 नंबर श्लोक है, ततोऽस्य सशर चापमुक्ता मणि विभूषित चरणाभ्यामनाः महातेजा बभज पद्गौतमः। कि देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड, जो बेस्ट ऑफ द बर्ड रहता है जटायु, वो क्या करता है, हु वाज वेरी द पावरफुल ब्रो क्राउन्स द बो विच वाज द टेलोराइट एंड द पर्ल्स एंड जेम्स। अब क्या होता है कि वो जो शक्तिशाली जटायु होता है वह रावण को बहुत परेशान करता है, और क्या करता है कि वह रावण के जो धनुष बाण उसे तोड़ देता है, और जो भी मुक्ता मणि विभूषित जितने भी उसने आभूषण पहने थे उन्हें भी वो तोड़ देता है। चरणाभ्याम महातेजा बभज पद्गौतम, और क्या करता है कि अलोंग विद द एरोज अलोंग हिज ऑन लेग्स, उसके जो लेग्स है उनके चरणों पे भी क्या करता है वो प्रहार करता है। इस तरह से वो रावण को परेशान कर देता है। 9 नंबर श्लोक, सब भग्न धनवा व्यर्थो हताशो हत सारथी है हस्ते नादायः वेदही पपात भूवि रावण। अब क्या होता है कि सब भग्न धनवा व्यर्थो हताश, मतलब रावण हु वाज द विदाउट अ चैरियट विदाउट बो। अब क्या होता है कि रावण के पास न तो कोई सारथी होता है, क्योंकि वह गिर जाता है, और सारथी भी उसका क्या होता है हता, मतलब वो भी घायल हो जाता है, तो उसके पास न तो कोई सारथी रहता है, और वो उसका जो वो रहता है धनुष रहता है वो भी टूट जाता है, उसके बाण भी टूट जाते हैं, और जो उसका सारथी रहता है वो भी मर जाता है। इस तरह से चैरियटियर किल्ड टेकिंग सीता बाय द हैंड। अब क्या होता है, वो सीता को लेकर जब न तो उसका सारथी रहता है और न ही उसके पास कोई धनुष रहता है, न ही कोई बाण रहता है, तो वो क्या करता है फिर ऑन द ग्राउंड वह सीता के साथ वो क्या करता है पृथ्वी पर गिर जाता है। अब 10 नंबर श्लोक, जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडनासे खगादीपः वामबाहुन तथा तदा व्यवहारतः अरिंदम। अब जटायु बर्ड क्या करता है, द टेकिंग ऑफ द बर्ड्स हु हैड द डिफीटेड। अब जटायु क्या करता है, रावण को पराजित करने की बहुत कोशिश करता है, और वो क्या करता है रावण पर अटैक करता है, और वो क्या करता है उसकी बिक अपनी जो चोंच है उससे उस पर प्रहार करता है, उसके 10 हैंड जो लेफ्ट साइड के 10 हैंड्स रहते हैं उसे अपरूटेड उसे क्या करता है उखाड़ता है। अब ये चैप्टर भी आपको ट्रांसलेशन लर्न करना है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। थैंक यू।